नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर लखनऊ से है, जहां यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बयान दिया है कि कोरोना की वजह से टूरिज्म में जो रुकावट आई है उसको देखते हुए वो टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और आने वाले समय में पर्यटन की पहली पसंद यूपी होगी। उन्होंने आगे कहा कि 2023 में 5 वर्ष के पर्यटन में संशोधन किया जाएगा। यूपी नई पर्यटन नीति जारी करने जा रही है, इसको लेकर के नए सुझाव आए हैं जिससे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूपी में इको टूरिज्म डिपार्टमेंट को सीएम के नेतृत्व में बनाया गया है, इसमें धार्मिक टूरिज्म और ऐतिहासिक टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही लखनऊ को टूरिज्म का हब बनाया जाएगा। अगली खबर बांदा से है, जहां छोटी बच्ची के साथ एक महिला पति के लिए दर दर भटक रही है। बता दें कि 11 अगस्त को घर में खाना खा रहे पीड़ित के पति को 6-7 अज्ञात लोग जबरन उठा ले गए, जिसके बाद पीड़िता ने पति के साथ किसी अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पति की सही सलामत वापसी के लिए गुहार लगाई है। ये पूरा मामला शहर कोतवाली के रब्बानिया का है। समस्या ये है कि हमारे पति को 6-7 लोग थे, पकड़ ले गए कमरे से, अभी तक कुछ पता नहीं चला। कौन लोग थे? इतना तो नहीं पता है, पर 4 पहिए में आए थे। क्या कुछ बताया था वो लोग कि हम लोग कौन हैं? नहीं। क्यों ले गए हैं कुछ जानकारी? पता नहीं, वो परेंद्र की लूट में बता रहे हैं। आज कहाँ पे आई हुई है? आज हम यहाँ कोतवाली में आए हुए हैं। एसपी ऑफिस में? एसपी ऑफिस। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे पति का पता लगे। कब ले गए थे आपके पति को? वही 11 तारीख। अगली खबर जालौन से है, जहां साइबर क्राइम टीम को बड़ी सफलता मिली है। जहां 10 लाख रुपए कीमत के 75 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसमें अलग अलग थाना क्षेत्रों से गुमशुदा हुए मोबाइल फोन को पुलिस ने उनके मालिकों को लौटा दिया है। खबर गदरपुर से है, जहां नगर पालिका कार्यालय का एडीएम ललित नारायण मिश्रा ने औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उधम सिंह नगर जिले के एडीएम ललित नारायण मिश्रा ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक प्रतिबंध को पूरी तरह से बंद करना है, साथ ही नगरपालिका के सफाई कार्य से संबंधित पत्र की भी जांच की। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अगर प्रमाण पत्र देरी से जारी किए गए या जारी ना किए गए तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण होता है तो आज यहाँ औचक निरीक्षण नगर पालिका का किया गया है, जहाँ पे इसके जो कार्यालय है और इनमें जो इनके वर्क्स हैं उनको देखा गया है। देखिए, 2-3 मुद्दे होते हैं जो किसी भी यूएलबी के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे अभी इस समय सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस पे चल रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना, जिस पे माननीय न्यायालय के भी निर्देश हैं और भारत सरकार के भी निर्देश हैं। दूसरा होता है हमारा जो टैक्स कलेक्शन है उसमें इंप्रूवमेंट करना, जिससे कि पालिकाएँ जो यूएलबी हैं वो वाइबल हो सकें। तीसरा जो साफ़ सफाई की व्यवस्था होती है, और चौथा जो हमारा होता है जो कूड़े का डिस्पोजल वो किस तरह से हो रहा है वो देखना महत्वपूर्ण होता है। और लास्टली हम ये भी देखते हैं कि जो शहर में है वो अतिक्रमण कितना है, और ज़्यादा अतिक्रमण अगर है उसमें अतिक्रमण को प्रभावी ढंग से उसको हटाना भी होता है। अगली खबर दिनेशपुर से है, जहां दशहरा पर्व पर आयोजित होने वाली रामलीला की सुव्यवस्था के लिए दिनेशपुर नगर क्षेत्र के लोगों ने रामलीला कमेटी का गठन किया, जहाँ आपसी सहमति से योगेश मिगलानी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष दीपक मक्कड़ ने पिछले साल का आय व्यय का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने आगे कहा कि 10 दिनों तक चलने वाली रामलीला इस बार बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। बात है कि कई लोगों का इसमें नाम आए, कई लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम दिया, और उसमें कमेटी की सर्वसम्मति से जो है अध्यक्ष और महामंत्री का और जितने भी पद हैं सबका चयन किया गया है, और उसमें सब लोगों ने जो लोग दावेदार थे सबने सहमति जताई है। आपसी में किसी के मन में कोई ऐसा विवाद नहीं है, सबने अपनी अपनी सहमति जताई है और एक अच्छी कमेटी हम लोगों ने यहाँ गठन करी है। और निश्चित रूप से, क्योंकि 2 वर्ष लगातार कोरोना के वजह से हम लोग अच्छा आयोजन नहीं कर पाए थे। खबर श्रावस्ती से, राजस्थान के जालौर में शिक्षक की पिटाई से छात्र की मौत के मामले में यूपी के श्रावस्ती में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि जालौर में पानी की
मटकी छूने पर एक शिक्षक ने छात्र को बुरी तरह से पीटा था, जिससे घायल छात्र की पिटाई के कुछ दिन बाद ही मौत हो गई थी। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने आरोपी शिक्षक को फांसी देने की मांग की है। अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा इकोना ब्लॉक स्थित शहीद स्मारक पहुंची और वहां वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही इकोना तहसील परिसर में किसानों ने मासिक पंचायत भी बुलाया। वहीं पंचायत में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा की, जिसमें भाकियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन इकोना के SDM को सौंपा है। 75 वर्ष पूरा होने के बाद पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम इकोना में रखा गया है, जिसमें हम शहीद स्मारक पर, विकासखंड स्थित शहीद स्मारक पर अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए तमाम हमारे जो आज़ादी के दीवाने हैं, जो शहीद हैं, उनके चित्र को लेकर उनको माल्यार्पण करते हुए, उनको पुष्पांजलि करते हुए हम लोग तिरंगा यात्रा पूरे नगर में भ्रमण कराएंगे और उसके बाद ये यात्रा तहसील में पहुंचेगी, जहां पर एक किसानों की पंचायत करके उपजिलाधिकारी महोदय को किसानों की समस्याओं से ज्ञापन उत्तर सौंपा जाएगा। ये देश की आज़ादी को अक्षुण रखने के लिए हमारे जो देश की आज़ादी के जो दीवाने थे, हमारे युवाओं में, हमारे आने वाली पीढ़ी में वो जज्बा पैदा होना चाहिए कि इस देश की एकता और अखंडता को हम अक्षुण रखेंगे। हमें अपने जान की कुर्बानी देने में कोई देर नहीं लगेगी। अगर इस देश पे कोई आँच आती है, उसको कायम रखने के लिए हम लगातार हर साल 15 अगस्त मनाते ही थे। खबर संभल से है, जहां बनिया ठेर थाना क्षेत्र में कुछ नशेड़ियों ने अपने ही नशेड़ी साथी की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। दरअसल नशा करने के दौरान मृतक नशेड़ी गाली देने लगा था, जिसके बाद उसके दोनों साथियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले का खुलासा करते हुए SP चक्रेश मिश्रा ने कहा है कि पुलिस ने 12 घंटे में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। थाना बनिया ठेर के अंतर्गत 16 तारीख को एक 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें एक व्यक्ति, इसका नाम तस्लीम है, इसकी मृत्यु हुई थी। इसके शरीर पर चोट के निशान थे। इसके घर वालों के द्वारा इसको बाग में नशे की हालत में पाया गया था। उसके पश्चात पुलिस के द्वारा तफ्तीश करते हुए 24 घंटे के अंदर इसके दो साथी, जिनका नाम आकिल और सिराज हैं, ये दोनों मोहम्मदपुर काशी गांव थाना बनिया ठेर के रहने वाले हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से आला कत्ल को बरामद किया गया है। घटनाचक्र इस प्रकार का, इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि तीनों ही साथ में नशे के आदि थे। तीनों ने साथ में नशा किया, उसके बाद में आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसको लेकर इन दोनों ने उसके सिर पर व अन्य बॉडी पार्ट्स पर एक लकड़ी के से बल्ले से प्रहार करते हुए उसको चोट पहुंचाई और उसको उसी अवस्था में छोड़कर वहां से भाग गए। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किशोरी का गाँव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग काफी समय से चल रहा था। बता दें कि कल रात किशोरी के परिजनों ने उसे युवक के साथ देख लिया, जिसके बाद किशोरी के परिजनों ने युवक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने मामले में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला मुख्यालय पर भेज दिया गया है। खबर देहरादून से, उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी अपने विरोधियों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि पूर्व CM हरीश रावत ने 18 अगस्त से CM आवास के बाहर उपवास करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद CM धामी ने पूर्व CM हरीश रावत को अपने आवास पर बुलाकर अनशन से पहले ही उनकी मांगों को मान लिया। दोनों के बीच सार्थक बातचीत में कई समस्याओं का समाधान भी किया गया। बता दें कि पिछले दिनों हरीश रावत ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान धनबल का प्रयोग करने, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के साथ ही कांग्रेस नेताओं के उत्पीड़न करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे। देखिए, अच्छी शुरुआत है और मुख्यमंत्री युवा हैं और बहुत ऊर्जावान हैं और पॉजिटिव सोच के व्यक्ति हैं। उन्होंने आमंत्रित करा और देखिए, उत्तराखंड के हित में जो भी काम किए जा सकते हैं, उन सब चीज़ों को एक योजना के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। सबका साथ, बिना भेदभाव के, दलगत राजनीति से हटके एक ऐसी सोच जो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड राज्य को अग्रणी बनाने में 2025 तक का जो लक्ष्य है कि उत्तराखंड एक अच्छे राज्यों में, अग्रणी राज्यों में
इसकी भी गिनती हो, तो मुख्यमंत्री जी दिन रात काम कर रहे हैं और एक अच्छी पहल है कि उन्होंने इस विषय पे जो है चर्चा करी है। मेरा तो एक ही मुद्दा है, हरिद्वार के अंदर पंचायती चुनावों में जिस तरीके से ग्रामीण नेतृत्व को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है, परिसीमन और आरक्षण के वेपन का इस्तेमाल करके नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से जो चुनाव होना चाहिए था उसको प्रभावित करने की चेष्टा की गई, वो मैंने मुख्यमंत्री के सामने रखा। मैंने कहा मैं तब यथित था, उसी के लिए मैंने कहा आपके घर पर मुझे उपवास का निर्णय लेना पड़ा। चूँकि मैं पहले नहीं मिल पाया था उनसे, और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद शिष्टाचारवश मुझसे भेंट करने आए थे, तो मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था कि मैं शिष्टाचारवश उनसे भेंट करने आने के बजाय सीधे उपवास पर बैठूं, इसलिए मैंने उनसे मिलने की बात कही और मैं मिला उनसे। अब स्थिति यह है कि आज यदि कुछ हम करते भी हैं, वहाँ मुख्यमंत्री करते भी हैं कुछ, तो उससे पंचायती चुनाव खिसकने का खतरा हो जाएगा। खबर लक्सर से है, जहां दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक नाबालिग युवती को प्यार करना इतना महंगा पड़ गया कि युवती के जीजा और भाई ने नाबालिग युवती को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, किसी को शक ना हो इसके लिए आरोपियों ने युवती के शव को एक कट्टे में भरकर गंगा नदी में फेंक दिया। उसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने जाँच की तो हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने युवती के आरोपी जीजा और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि लक्सर क्षेत्र की एक लड़की, नाबालिग की लड़की, कुछ दिनों से अपने घर से गायब है। आशंका है कि उसके साथ कोई अनहोनी घट गई है। चूंकि लड़की नाबालिग थी, इसमें हमने 365 का अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की थी, तो गोपनीय जानकारी से हमें मिला था कि शायद उसको उसके परिजनों के द्वारा मार दिया गया है किसी क्रिम पर्सन के कारण। तो इसमें हमारे द्वारा SDRF और अन्य लोगों की मदद से सर्च अभियान चलाया गया था, तो 12 तारीख को हमें इस लड़की की बॉडी गंगा जी में मिल गई थी, जिसका हम जो कि कट्टे में बंद थी, इसका हमने पोस्टमार्टम कराया था। इसमें जब आगे की तफ्तीश की गई, जानकारी की गई, तो पता चला तो इसके भाई और इसके जीजा का नाम प्रकाश माया, जिनको हमने आज गिरफ्तार किया, इनके द्वारा बताया गया कि हमने प्रेम प्रसंग के कारण। खबर मैनपुरी से है, मैनपुरी में आईजी नचिकेता झा ने 75वीं आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन किया। इस दौरान पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें सभी पुलिसकर्मी देशभक्ति की धुन में नजर आए। तिरंगा यात्रा को लेकर के आईजी ने कहा कि वो उन वीरों महापुरुषों को नमन करते हैं जिन्होंने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता दिलाई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले कि सभी पुलिसकर्मी और अधिकारी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि 2-3 महीने में ही जोनल में मैनपुरी पुलिस को प्रथम स्थान मिला है। वीरों एवं महापुरुषों को नमन, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सभी को हार्दिक बधाई एवं ढेर सारे शुभकामनाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैनपुरी पुलिस द्वारा कई कार्यक्रम गरिमा मई एवं हर्षोल्लास सहित आयोजित किए गए। खबर फतेहपुर से है, जहां स्वतंत्रता आंदोलन के वीर सपूतों और तिरंगे का सम्मान के लिए आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सर्वजन हिताय सेवा संस्थान ने भारत जोड़ो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं ने आज़ादी की गौरव यात्रा निकाली। ये यात्रा सर्वजन हिताय सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशोर सिंह के नेतृत्व में कोर्रा कनक ग्राम से होते हुए ककरा डेरा तक निकाली गई। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पत्नी ही निकली अपने पति की कातिल। दरअसल इटावा के प्रेमी ने प्रेमी के साथ मिलकर शराब में जबरन जहर मिलाकर युवक को पिला दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही हत्या का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर जालौन से है, जहां लाइसेंसी बंदूक से चली गोली से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक की संदिग्ध मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के नया पाठकपुरा का बताया जा रहा है। खबर बिजनौर से है, जहां काम में लापरवाही करने के मामले में एसडीएम के आदेश पर एक महिला लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला का पति लेखपाल बनकर अपनी पत्नी का काम संभाल रहा था, जिसकी शिकायत धामपुर एसडीएम से कई बार की गई। शिकायत मिलने के बाद एसडीएम ने जांच कराई तो महिला लेखपाल दोषी पाई गई, जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है। एक हमारी लेखपाल श्रीमती अंजुल कुमारी है, ग्रामीणों द्वारा ये शिकायत मिली थी कि क्षेत्र में कम आती है, और हमने तहसीलदार साहब को इसके जांच के लिए भेजा था, और ये पाया गया कि क्षेत्र में कम जाती हैं। और यह भी हुआ कि कई इनके नाम से इनके पति एक वाहन चलाते हैं, जिसमें बिना अनुमति के कुछ राजस्व विभाग या कुछ ऐसा लिखवाया हुआ है। प्रथम दृष्टया शिकायत में कुछ सत्यता पाई गई तो हमने इन्हें निलंबित कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।